हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद ईशी। और आज मैं आप लोगों को अपने साथ कुंभलगढ़ दर्शन कराने के लिए लेके जा रही हूँ। ये बेसिकली हमारा दिवाली का कुछ दिन का छुट्टी था, 3-4 दिनों का, तो यहाँ पे हम घूमने गए थे सभी अपने परिवार के साथ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो आज मैं आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वहाँ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, हम लोगों ने किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया और कैसा रहा हमारा पूरा एक्सपीरियंस, उसी के बारे में। ये कुंभलगढ़ सीरीज़ अभी मैं चालू करने वाली हूँ अपने यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, हम अभी बाई रोड इस तरीके से अपने कार में करके जा रहे हैं कुंभलगढ़। जयपुर से हम लोगों ने अपना जर्नी चालू किया था, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 6 से 6.5 घंटा हमारा टाइम लगता है बाई कार। महाराणा कुंभ द्वारा दुर्ग स्थापत्य पर सादगी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ का सतत युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष सामरिक महत्व था। अनेक दुर्गा के लिए इस दुर्गम घाटियों से परिवृष्ट तथा सघन और बीहर वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। समुद्र तट से 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी यह किला हरी भरी वादियों के कारण दूर से नजर आता है। यह अविजित दुर्गों की श्रेणी में आता है। यह अरावली पर्वत की 13 ऊंची चोटियों से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता था। यह आप देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल नेचर के आसपास बिल्कुल आ गए हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव था मेरा। कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महान दीवार है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्त में इन पहाड़ियों का नाम नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन आदि दिए गए हैं। यह दुर्ग समुद्र की सतह से 3,568 फीट ऊंचे धरातल पर है। वैसे तो इस किले का विशिष्ट रूप से निर्माण कुंभ ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की ओर 960 के लगभग मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग के कैंपस में झाली बाग, बावड़ी, कुंभी स्वभावनी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मलिया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी, जो कि पृथ्वीराज राठौर आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक है। यह बादल महल पैलेस ऑफ क्लाउड के नाम से प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। अबुल फजल के अनुसार यदि कोई पगड़ीधारी पुरुष कटार ग्रह की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बहुत ही लंबा चौड़ा सफर तय करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक दे दे करके जा रहे थे, क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी है
और लगातार चलाने से थोड़ा दिक्कत होता है, नॉन स्टॉप मीन्स पीठ वगैरह थोड़ा अकड़ जाता है। और ये आप रोड्स देख सकते हैं, बिल्कुल गोल 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 मीन्स पहाड़ों को कट कर करके ये पूरा रास्ता बनाया गया है। और आगे भी आप देख सकते हैं जो होटल और रिसोर्ट जहाँ पे हम रहने वाले हैं, वो मैं आज नहीं दूसरे ये दिन डालूंगी यूट्यूब में। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पहाड़ों को कट कर करके पूरा बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। पूरा रिसोर्ट है, बहुत बड़े एरिया को लेकर के, और चारों तरफ बिल्कुल बड़े बड़े घाटियाँ, हरियाली देखने को बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला, यहाँ पर दुर्ग देखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, बाहर बाहर लोग, बाहर जगह से भी, भारत से भी बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं देखने के लिए यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा मेरा अनुभव रहा है यहाँ पे। आप खाई देख सकते हैं कितनी गहराई है यहाँ पे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वहाँ पर चढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने बोला, आपको गोल घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है, तथा एक एक करके ओरट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल नामक कुल 9 द्वार पार करने पड़ते हैं यहाँ पे। कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि मेवाड़ के प्रसिद्ध किलों में से एक है, और ये चारों तरफ अरावली पर्वत पर स्थित है। यह किला भारत के पश्चिम में राजस्थान के उदयपुर जिले के राजसमंद में स्थित है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स वगैरह चालू हो गए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जीप भी अवेलेबल है। सबके अलग अलग चार्जेस हैं, जो जो मतलब ऊपर जाना चाहते हैं और भी ऊपर दुर्ग वगैरह वहाँ तक आपको लेके जाएंगे ये जीप। तो यहाँ से अभी हम अपने रिसोर्ट की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी सड़क और रास्ता वगैरह बना हुआ, ये सारे पहाड़ को कट कट कर करके बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मेहनती इंसान यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे रहना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही टफ टाइम होता है उनके लिए। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है। तो ये हम ऑलमोस्ट अपने रिसोर्ट के आसपास आ चुके हैं, और कुछ ही दूर में हम घुस जाएंगे अपने रिसोर्ट पे। आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम आसमान के करीब आ चुके हैं, और पूरा पीछे से पूरा खाई दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही भयंकर सा, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मन को भाने वाला दृश्य था। देखो देखो क्या वो पैर है, क्या कोई जो पंख ही लगे। नहीं पंख नहीं, तो सुबीर चौधरी किस तरफ है सीधा। देखो देखो
जबरदस्त है। तेरे पापा को बोल यही रह जाते हैं और जाने का क्या बात है। हाँ पापा, अंदर तो यहाँ पर हम अपने रिसोर्ट पे आ चुके हैं और अभी हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। हम अपने रिसोर्ट पे आ गए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ऊपर जा रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा करना है और उसके बाद फिर हमें लगेज वगैरह चेक इन करवाना है, तो इसीलिए अभी हम लोग वहाँ से जा कर के ये सारे काम काज करने के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर शाम को निकलते हैं। और ये आप एंट्रेंस का पॉइंट आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा पॉन्ड जैसा बना के रखे हैं जहाँ पे कमल का फूल खिला हुआ है। और ये आप यहाँ के एंट्रेंस को देख सकते हैं, पूरे पत्थरों का काम किया हुआ है चारों तरफ। ये जो रिसोर्ट है पूरा वो माउंटेन के जो रॉक्स वगैरह है उनसे ही पूरा निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर सा रिसोर्ट था। तो बाकी के आगे हमारा क्या अनुभव रहा, हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या किया नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में डालने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा, लव यू ऑल।